हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। तमन्ना आदि तो स्कूल चले गए हैं, तो इस ब्लाउज को काट के और तब मैं तमन्ना आदि को लेने जाऊंगी। तो हमको ना गांव जाना था शादी में और नहीं जा पाए। इनकी जो दीदी है ना, उनकी दोनों लड़कों की शादी, जैसे एक की पहले है फिर दूसरे की है, तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बनाऊं और शादी में भी जाऊं, पर इनको ना छुट्टी नहीं मिली और तमन्ना की भी छुट्टी नहीं थी, क्योंकि हमने फिर अगले महीने भी गांव जाना है, तो हम नहीं जा पाए इस बार गांव। तो इन्होंने बोला कि अभी तो मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, अगले महीने चले जाना गांव, तो अगले महीने जाएंगे हम गांव। वैसे तो हमारी पूरी फैमिली जा रखी है शादी में, पर मन तो हमारा भी था जाने का, पर नहीं जा पाए। तो मेरे को ना दोनों ब्लाउज एक ही नाप के काटने हैं, तो देखो मैंने चिन लगा लिए है, दिखाती हूँ तुम्हें। तो मैंने ये चिन लगा लिए है और ये गला है, और मैं इसी को ना इसके ऊपर रखूंगी और इसका दूसरा साइड निकालूंगी। तो ये वाला हिस्सा मैंने काट लिया है और इसी को ना इसके ऊपर रखना है, और इस साइड नहीं रखना, इसको ना दूसरी साइड रखना है। यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे रखना है और इसको काट के फिर ये बाजू। तो अब मैंने दोनों ब्लाउज काट लिए है, एक ब्लाउज ये है और एक ये है, ये हाफ बाजू का है, इसमें कपड़ा कम ही बचा तो ये हाफ ही बाजू बनेगा, ये वाला, ये फुल बनेगा। तो जब सिल जाएंगे तब दिखाऊंगी मैं तुम्हें। तो अब मैं तमन्ना रादी के लिए जा रही हूँ, फिर आके खाना बनाऊंगी। तो मैं अब तमन्ना रादी को स्कूल से ले आई हूँ, अब मैंने दाल बनाऊंगी, गांव की दाल बना रही हूँ मैं। सुबह से मैंने धूप में रखी थी, देखना कैसे हो रखी है। तो ये वाली दाल है ये। इसमें ना बहुत सारी दाल मिक्स है, तो गांव में ना इस दाल को ना छीमी बोलते हैं। और सुबह ना मैंने धूप में रख दी थी इसको ठंडे पानी में भिगाने के लिए, तो दाल ना और भी अच्छी होती है। देखो मैंने सुबह से रखी हुई थी ये दाल, और ये धूप में ना देखना कैसी हो गई। अब इसमें ना मैं दो सीटी लगाऊंगी और दाल हो जाएगी। था जब तमन्ना रादी को स्कूल छोड़ा था तब रख दी थी मैंने इसे धूप में, और ये अच्छी हो गई। अब इसमें मैं ना दो सीटी मारूंगी। हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो अभी मम्मी दाल बना रही है और आदि और मैं स्कूल से आ गए हैं। ये वाले मैं मसाले डाल रही हूँ, लहसुन और धनिया। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और तीन सीटी में ना ये दाल हो जाएगी। तो मैंने दाल रख दिया और मैं चावल रख रही हूँ। तो वैसे मैंने धूप में तो ऐसे रख दिया था इसे सुबह से, तो वैसे तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम सुबह दो सीटी तीन सीटी लगा देना इसमें, उसके बाद छोड़ देना इसको। और जब खाना बनाने का टाइम होगा उससे थोड़ा पहले 10-5 मिनट पहले इसमें दो तीन सीटी और लगाना, और ये दाल जल्दी से हो जाएगी। जैसे हम राजमा बनाते हैं उसी तरह बनानी है इसको भी। अब हम इसमें तड़का मारेंगे। तो अब दाल तो बन गई है, अब मम्मी उसमें तड़का लगाएगी, और हम तड़का जीरे का ही लगाएंगे, प्याज का भी लगा सकते हैं पर मम्मी जीरे का ही लगा रही है। तो मम्मी ने थोड़ी सी मिर्ची भी निकाल दी। क्या हो गया, आप लग रहा है लावा मुखी जल रही है। तो अब बन गई हमारी दाल, देखो कैसे बन रही है। मैंने ना ज्यादा रख दी थी दाल, क्योंकि ना तमन्ना के पापा को, क्योंकि ना तमन्ना के पापा बोलते हैं ना मेरे लिए भी रख दिया कर दाल, तो मैं तमन्ना के पापा के लिए रख दूंगी शाम के लिए। तो ये मिर्च भी निकाल रखी है मैंने। तो ये वाला अचार ना मेरे को शिल्पा ने दिया, वो गांव से ला रखी थी, और मिर्च का है। और देखो ये दूसरा वाला अचार दिखाती हूँ, ये देखो, ये मैंने फर्स्ट बार देखा, ये लहसुन के पत्ते का अचार है। और हमारे गांव में ऐसे करते हैं, लहसुन निकाल के ना उसके पत्ते फेंक देते हैं। अब मम्मी को बोलूंगी उसका अचार बनता है, तो मेरी मम्मी जरूर बनाएगी। तो चलो अब खाना खाते हैं। और इस कटोरी में ना शिल्पा ने मेरे को गांव का अचार दिया था, तो मैं इसमें ना उसको दाल दे रही हूँ।
गांव की जो मैंने अभी बनाई, उसके बाद खाना खाते हैं। तो आप लोगों भी जरूर बनाएंगे अपने घर में लहसुन के पत्ते का अचार। तो मम्मी दीदी के लिए दाल रख रही है, उसके बाद हम भी खाना खाएंगे। ये ला आंटी, गरम है ये ला आंटी। आंटी कैसी लगती है आपको गांव की दाल? अच्छी लगती है, मस्त लगती है। तो अभी हम खाना खा रहे हैं और पापा तो 5 बजे तक आएंगे, इसलिए पापा लेट ही खाते हैं। तो मम्मी अभी आधी के लिए रख रही है। आज तेरे को दाने ज्यादा चाहिए? हाँ। ये दाल और ये हमारा सलाद। तो अब आदि और तमन्ना तो खाने लग गए खाना, और मैं आप खाऊंगी। तो अब हम खाना खाएंगे और तमन्ना के पापा ना 5 बजे आते हैं, तो उसके बाद ही खाएंगे खाना। तो चलो अब मैं भी खाना खाती हूँ और आप लोग भी खा जाओ खाना, और जरूर कमेंट में बोलना कि कैसी लग रही है दाल।